सबसे पहले तो मैं जो हमारे सैनिक शहीद हुए हैं उनको श्रद्धा के सुमन में भेंट करता हूँ और उनको नमन करता हूँ कि उन्होंने देश के लिए अपनी जान दी। दूसरा जो महत्वपूर्ण मुद्दा, जिस प्रकार से पाकिस्तान की तरफ से बार बार, कभी उड़ी कभी सोपोर कभी आज ये पुलवामा में जो हमला हुआ है, इसकी सिर्फ निंदा से काम नहीं चलेगा। अगर हम ये बात सोचेंगे कि एक नोटबंदी करने से आतंकवाद खत्म हो जाएगा, अगर किसी मंच से बहुत अच्छा स्पीच दे के हम कहेंगे कि आतंकवाद हम खत्म हो चुका है, ऐसी बात नहीं है। हमने बार बार देखा है कि भारत पर हमला होता है और जो हमारे जवान हैं वो शहीद होते हैं, वो आम घरों के आम परिवार के बच्चे हैं और उनके अंदर देशभक्ति कूट कूट के भरी है। जब वो जान दे देते हैं उसके बाद हम लोग सिर्फ उनको श्रद्धा के फूल भेंट करके अपने घर आ जाते हैं, परंतु इसका कोई हल निकालने के लिए कुछ नहीं कर रहा। मैं तो यही कहूँगा कि आतंकवाद से लड़ने के लिए हम सब मिलकर, पूरा देश हम एक साथ हैं, और पाकिस्तान में जो आतंकवादी गतिविधियां हैं उस पे हमला किया जाए। जब तक आप आतंकवाद को नहीं मारोगे तब तक काम नहीं चलेगा। अगर आपने आतंकवादी अड्डों पे आपने हमला किया, आपने वहां उनको खत्म किया, तब जाके काम चलेगा। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा आपको कि आपने चाहे उड़ी का हमला देख लो, चाहे 26/11 का देख लो, चाहे ये कल का हमला आप पुलवामा में देख लो, इसमें एक नाम आता है अजहर महमूद। ये अजहर महमूद है कौन? यह वही अजहर महमूद है जिसको 2001 के अंदर कंधार के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने वहां उनको छोड़ के आए। आज वही जिस सांप को दूध पिलाया वही सांप आज हमारे देश को खा रहा है। तो हमें इन बातों को सोचना पड़ेगा। इन बातों में हमें राजनीति लाने की जरूरत नहीं है, परंतु ये मुद्दे हैं, क्योंकि जब तक हम उसके जड़ तक नहीं जाएंगे, तह तक नहीं जाएंगे, तब तक ये जो हमले हैं रुकेंगे नहीं। तो मेरा मानना ये है कि सिर्फ भाषणों से ना करके, सिर्फ भारत माता की जय बोलने से कुछ नहीं होता, भारत माता के लिए हमें कुछ करना भी पड़ेगा। और करने के लिए मैं कहता हूँ कि हमें इस प्रकार के निर्णय लेने पड़ेंगे जिस प्रकार के इंदिरा जी लिया करते थे। तो बिल्कुल निश्चित रूप से चाहे पाकिस्तान के अंदर जहाँ भी आतंकवादी गतिविधियाँ हैं, हमें जोरदार तरीके से उनका मुकाबला करना चाहिए और वहाँ पर हमें आक्रमण के द्वारा उनका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए।